कोई कहेगा कि 15 अगस्त 1947 को और संविधान की स्वीकृति के 50 के बाद अगर लोकतंत्र आया है तो ये सही नहीं है। पीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसीलिए जब मैं पहली बार पीआरएनडी में आया था तब मैंने विजिटर्स बुक्स में बुक में लिखा था कि पीआरएनडी के बगैर अच्छे पुलिसिंग की कल्पना ही नहीं हो सकती। मित्रों, पीआरएनडी एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संघीय ढांचे में हमने संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें केंद्र सरकार होती है, कई राज्य सरकारें होती हैं, यूटीज होते हैं और इसके काम के विभाजन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय है। जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय बनता है और संघीय ढांचे को मजबूती देनी है तब सभी राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब कि पुलिस और उसके आनुषंगिक संगठनों को जोड़ने वाली एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो चुनौतियां होती हैं वो देश के परिप्रेक्ष्य में आती हैं, सरकारें होती हैं अलग अलग पार्टी की, अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग सोच की होती है, कई बार क्षेत्रीय दलों की भी होती है, केंद्र में सरकारें कई बार मिली जुली आती है, कई बार एक दल की आती है। इस सब के हटकर अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपनी चुनौतियों के लिए सुसज्ज बनाना है तो उसके लिए उसको जोड़ने वाली एक कड़ी चाहिए, अदरवाइज ये कड़ी की उपलब्धता नहीं है तो देश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर जाएगा। और मैं मानता हूं कि 51 साल में पीआरएनडी ने देश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सभी राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी का काम बहुत बखूबी किया है और अच्छे तरीके से। मित्रों, हमने आजादी के बाद गणतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव है। कोई कहेगा कि 15 अगस्त 1947 को और संविधान की स्वीकृति के 50 के बाद अगर लोकतंत्र आया है तो ये सही नहीं है। लोकतंत्र हमारे प्रजा मन का एक स्वभाव, पहले भी गांव में पंच परमेश्वर कहते थे, हजारों साल पहले द्वारिका में यादवों का गणराज्य चलता था, बिहार के अंदर कई सारे गणराज्य थे और लोकतंत्र ये हमारे देश का स्वभाव है। मगर एक तरह से छोटे तो हमने लोकतंत्र को आजादी के बाद अपनाया और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल आता है तो सीधा कानून और व्यवस्था से के साथ जुड़ता है। लोकतंत्र का मतलब कोई पार्टियों को वोट देना और पार्टियों की सरकार बनाना नहीं है, तो व्यवस्था का एक हिस्सा है। लोकतंत्र का साफल्य क्या है, लोकतंत्र का फल क्या है? लोकतंत्र का फल है कि 130 करोड़ लोगों को अपनी अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुसार अपने आप को विकसित करने का मौका मिले और 130 करोड़ नागरिकों के विकास की क्यूमुलेटिव इफेक्ट का फायदा देश को मिले और देश का विकास हो, वही लोकतंत्र है। और अगर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता।